हेलो गाइस, टुडे वी आर लर्निंग इंसुलेटर. व्हाट डज इट मीन? इंसुलेटर मीन्स व्हाट गाइस? इंसुलेटर, इट इज नथिंग बट सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लोइंग. इंसुलेटर इज अ सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लोइंग, दैट इज इंसुलेटर गाइस. इंसुलेटर ऐसा पदार्थ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है बैडली और इजीली, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, जो कि कंडक्टर का अपोजिट है, कंडक्टर का वाइस वर्सा है गाइस. गाइस, सो दिस इज द डेफिनेशन. ओके, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स इन केस ऑफ इंसुलेटर्स? लाइक वुड, पेपर, पीवीसी, प्लास्टिक, रबर. सो दिस आर द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लो इफ दे आर गुड. सो देन गाइस, व्हाट इज द इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन इंसुलेटर. इंसुलेटर पे टेम्परेचर का इफेक्ट और ह्यूमिडिटी का इफेक्ट कैसा होता है वो भी देख लेते हैं गाइज. जब भी उष्णता बढ़ता है ना गाइज, उष्णता दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमारा इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है, इंसुलेटर का जो स्ट्रेंथ है, वो कम होता है. दैट मीन्स जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंसुलेशन लूज होगा. इंसुलेशन लूज हुआ तो वो क्या पिघल जाएगा, थोड़ा मीन्स द एक्सटेंड होगा. सो दैट मीन्स वहाँ से मतलब थिकनेस जो है उसका वाला थिकनेस कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है वो उसको चांस मिलेगा वहाँ से भी फ्लो होने के लिए थ्रू द इंसुलेटर. इफ द थिकनेस इज नॉट मेंटेन देयर, इफ दे आर लूज, देन दैट टाइम इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, इट विल अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स थ्रू द इंसुलेटर. सो दिस इज द इफेक्ट. अगर वो टेम्परेचर बढ़ता है इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर का जो थिकनेस है वो लूज होता है. लूज होने के कारण उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होता है, तो उससे लीकेज करंट बहता है गाइज. लीकेज करंट फ्लो होता है. लीकेज करंट उसी को कहते हैं जब इंसुलेटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तब हम उसे लीकेज करंट कहते हैं गाइज. अगर कंडक्टर से फ्लो होता है इट्स ओके, बट इंसुलेटर से फ्लो होता है इट इज नॉट ओके. दैट मीन्स इट इज लीकेज करंट फ्लोज थ्रू द इंसुलेटर. देन गाइज, दिस इज अ वेरी क्वालिटी कंटेंट इन टर्म्स ऑफ इंसुलेटर गाइज. VIR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VIR गाइज? वल्कनाइज इंडिया रबर. So what is the percentage of sulfur and zinc oxide in vulcanized India rubber? देखो, कई बार पूछा गया है what is the full form of VIR and what is the percentage or what is the proportion of sulfur and zinc dioxide in VIR. So pure rubber में जो pure rubber होता है उसमें जब हम 5% sulfur और उसी के साथ zinc dioxide हम add करते हैं, तब हो जाता है guys vulcanized India rubber. ये जब प्रोसेस करते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक डाइऑक्साइड और सल्फर ऐड करते हैं प्योर रबर में, तब वो बन जाता है वल्कनाइज इंडिया रबर. ओके, देन पीवीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पॉलीविनल क्लोराइड. ये देखते हैं हम, वीआर देखते हैं तो मीडियम और लो इंस्टॉलेशन के जो वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, वहाँ पे यूज होता है. पीवीसी की बात करते हैं पॉलीविनल क्लोराइड. सो ए हम इसी की बात करते हैं गाइज, तो वायर्स में यूज होता है ये पीवीसी. माइका और माइकानाइट, इसमें क्या डिफरेंस है गाइज? माइका और माइकानाइट मैकेनिकली उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो लो होता है गाइज. एज ए हीटिंग एलिमेंट कर यूज होता है इसका, माइका हीटिंग एलिमेंट में एज ए इंसुलेटर करके यूज होता है. और माइकानाइट उसको कुछ माइका को ही शेलेक वार्निश में डिप किया जाता है. बाद में वो प्रोसेस को हम कहते हैं, आफ्टर दिस प्रोसेस वी गेव नेम टू दिस माइकानाइट. ओके, मैकेनिकली ये वाला इससे स्ट्रांग होता है. जब ये प्रोसेस करते हैं, डिप करते हैं शालेक वार्निश में, तो ये माइकानाइट थोड़ा मैकेनिकली स्ट्रांग होता है. देखो, रिपीट हो गया गाइस. ओके, देन बैकलाइट, ये भी इंसुलेटर है गाइस. बैकलाइट क्या होता है? इससे बैकलाइट की क्या क्या मटेरियल देखने के लिए मिलता है हमें? स्विचेस, होल्डर, सॉकेट्स, ये बैकलाइट से बनते हैं गाइस. देन ग्लास, जैसे टंगस्टन बल्ब देखा होगा, इनकैंडेसेंट बल्ब, तो उसके ऊपर ग्लास होता है ना. या तो फिर ग्लास के ये भी देखते हैं हम इंसुलेटर्स, जो लाइन ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं वहाँ पर ग्लास के हम इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं. ग्लास, बिटुमेन,
बिटुमेन एक जो अंडरग्राउंड केबल का जो जॉइंट होता है गाइस, उसको बॉन्डिंग करने में हम बिटुमेन का यूज़ करते हैं, बिटुमेन। और ट्रांसफार्मर ऑयल, ये भी एक इंसुलेटर ही है जो कि लिक्विड फॉर्म में है गाइस। गाइस इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रॉपर्टीज काफ़ी बार पूछे गए प्रॉपर्टीज। सो देखिए इसकी जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज है वही लेंगे हम जो काम की हैं। सो देखिए हाई रेजिस्टिविटी, फोकस हियर, हाई रेजिस्टिविटी इंसुलेटर, इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी। उसके पास जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किसी भी एंगल से होगा नहीं। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे, हाई रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। सो इट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, ओके। हाई डाईइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, गाइस देखो ये अपोजिट टर्म है, इलेक्ट्रिक और डाईइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का एंटोनिम है डाईइलेक्ट्रिक। सो डाईइलेक्ट्रिक जो होगा, डाईइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो हाई होना चाहिए इंसुलेटर की। डाईइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। लो थर्मल कोएफिशिएंट मीन्स अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है वो इंसुलेटर पे, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तब भी वो वहाँ पे उस टेम्परेचर के कंडीशन में वो स्टैंड होना चाहिए। मतलब उसका उतना टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए, मतलब लो थर्मल कोएफिशिएंट, ओके। दैट मीन्स दे नेक्स्ट लो वाटर एब्जॉर्प्शन है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन देखो इफेक्ट में हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का डिस्कस नहीं किया गाइस। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है कि आर्द्रता होती है वेदर में, आर्द्रता मीन्स पानी का कुछ पार्ट होता है। अगर ह्यूमिडिटी वेदर में आर्द्रता है तो उसमें क्या होगा, इन्वायरमेंट में आर्द्रता है तो इंसुलेटर पे वो जो पानी का पार्ट है, पानी का अंश है, वो इंसुलेटर में जाएगा। तो इंसुलेटर में जाने के बाद में अगर वो ओपनली है तो पानी का पार्ट जाने की वजह से उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो कम होगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होगा दैट मीन्स उसमें वाटर का पार्ट जाएगा, इम्प्योर वाटर जाएगा, उसी के कारण उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होगा। और एज यू नो दैट वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर वो इंसुलेटर में वाटर का पार्ट है गाइस तो ऑब्वियस है तो उससे करंट फ्लो होगा। दैट मीन इंसुलेटर में वाटर का पार्ट है तो वहाँ से करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो होने का चांस रहेगा वहाँ पे। सो इसलिए जो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है गाइस इंसुलेटर पे, है ना। उसके कारण क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होता है और लीकेज करंट फ्लो होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ता है। सो देखिए लो वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए इंसुलेटर में। लो परमिटिविटी लो होना चाहिए, हाई रिलेटिव परमिटिविटी होना चाहिए, ओके। लो परमिटिविटी होना चाहिए और हाई रिलेटिव परमिटिविटी होना चाहिए, रिलेटिव परमिटिविटी ये हाई होना चाहिए गाइस। देखिए ये बैफल करने वाला है यहाँ पे, परमिटिविटी लो होना चाहिए तो रिलेटिव परमिटिविटी हाई होना चाहिए। सो फिक्स इन माइंड दिस इज नॉन फ्लेमेबल, जलने वाला नहीं होना चाहिए जल्दी से, ओके। देन आफ्टर केमिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकली यांत्रिक रीत्या वो हाई होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई विस्कोसिटी एट इम्प्रिग्नेशन टेम्परेचर पे उसकी जो विस्कोसिटी है, उसकी जो थिकनेस है वो हाई होना चाहिए, ओके। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो उस थिकनेस जो है उसका इंसुलेटर का वो मेंटेन होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। देन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ तान शक्ति ये हाई होना चाहिए गाइस इंसुलेटर की। स्टैंड विथ हाई रपचरिंग वोल्टेज के साथ में वो स्टैंड होना चाहिए इंसुलेटर। सो दीज आर द बेसिक और व्हाट क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। जिसको परमिटिविटी का काफ़ी बार पूछा गया है, परमिटिविटी कैसा होना चाहिए इंसुलेटर का, लो होना चाहिए बट रिलेटिव परमिटिविटी हाई होना चाहिए। सो कीप इन माइंड वेरी वेल, सिंपल परमिटिविटी लो होना चाहिए और रिलेटिव परमिटिविटी हाई होना चाहिए। इट्स दिस पॉइंट वेरी वेल।